वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप बचे हुए क्वेश्चन हैं बॉटनी के, ठीक है। बॉटनी के ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। अब से पहले हमने एक से लेकर आपके फिफ्थ यूनिट तक जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे यूनिट 6, 7 और 8, ठीक है। 6, 7 और 8, ठीक है। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे इन तीनों यूनिट्स में उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं यूनिट 6 का। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्या है, कह रहा है कार्क कोशिका का मुख्य रासायनिक भाग क्या है। जो कार्क कोशिकाएँ होती हैं यानी कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनके सबसे बाहरी जो स्तर होता है वो आपकी कार्क कोशिकाएँ या ऊतक कहलाते हैं। तो उनकी बात कर रहा है, उनका जो मुख्य रासायनिक भाग होता है वो क्या होता है, क्या लिग्निन होता है या सुवेरियन होता है या काइटिन होता है या आपका पेक्टिन होता है, ठीक है। तो आपको भी साथ साथ आंसर करना है, आपको देखना है कि आपने कुल कितने सही किए, ठीक है। आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, ठीक है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए आप आंसर कीजिए, इसका कौन सा है मुख्य रासायनिक भाग क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ठीक है। चलिए, तो ये होता है आपका सुबेरियन, ठीक है। क्या होता है आपका सुबेरियन, जो है आपका मुख्य रासायनिक भाग होता है किसका, कार्क कोशिकाओं का, ठीक है, जो कि पौधों का सबसे बाहरी ऊतक होता है। जड़ में पेरीसाइक्लिन बनती हैं, ठीक है, थीके? जो जड़ें होती हैं उनमें पेरीसाइक्लिन कहाँ बनती हैं, कैसे, कह रहा है जड़ की शाखाओं व कार्क कैम्बियम पर या कॉर्टेक्स व पिथ पर या जाइलम और फ्लोएम पर, और कह रहा है एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये चार दे रखे हैं, इनमें कहाँ पर जड़ में पेरीसाइक्लिक बनती हैं, ठीक है, पेरीसाइक्लिक का निर्माण होता है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा सेकंड का, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो ये जो आपकी पेरीसाइक्लिक की अगर हम बात करें जो जड़ों में बनती हैं, ये आपकी जड़ की शाखाओं व कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, कहाँ, जड़ की शाखाओं व कॉर्क कैम्बियम में इनका फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा, ठीक है, सेकंड का क्या हो जाएगा, आ। थर्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं, कौन से, एम्फीबेसल आपके वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं, क्या, क्या हाइड्रोसेंट्रिक होते हैं या आपके एक्टोसेंट्रिक होते हैं या आपके लेप्टोसेंट्रिक होते हैं ये आपके इंडोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ऐसा है जो जो क्या कहलाता है, एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये जो आपके होते हैं एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल, तो इन्हें कहते हैं लैक्टोसेंट्रिक, क्या कहते हैं भाई, लैक्टोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, लेप्टोसेंट्रिक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सा हो जाएगा। फोर्थ की बात करें, कह रहा है पौधों में भोजन संग्रहण होता है, पौधों में भोजन संग्रहण होता है कहाँ पर होता है, क्या पेरेन्काइमा कोशिकाओं में होता है या क्लोरेन्काइमा में होता है या आपका एरेन्काइमा में होता है या आपका कोलेन्काइमा में होता है। तो इनमें से कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ भोजन संग्रहण होता है किनमें, पौधों में, ठीक है। तो वो आपको बताना ये कहाँ पर भोजन का संग्रहण होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, इनमें से आपको आंसर बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा फोर्थ का, तो ये जो आपका भोजन का संग्रहण होता है पौधों में ये कहाँ होता है आपका, पेरेन्काइमा कोशिकाओं में, ठीक है, किसमें, पेरेन्काइमेटिक कोशिकाओं में जो है इसका संग्रहण या स्टोर होता है, ठीक है। कैम्बियम को पार्श्व मेरिस्टेम कहते हैं, क्योंकि यह पार्श्व शाखाओं का निर्माण करता है या अक्ष की लंबाई में वृद्धि करता है या अक्ष की मोटाई में वृद्धि करता है या अक्ष की लंबाई तथा मोटाई दोनों में वृद्धि करता है, किसके आधार पर कैम्बियम को पार्श्व मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर। चलिए, तो इसकी अगर हम बात करें, जो कैम्बियम आपका ऊतक है पार्श्व मेरिस्टेम क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, फिफ्थ वाले में आपका आंसर क्या है, चलिए आंसर कीजिए, तो इसका काम क्या हो जाता है, ये अक्ष की मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है, किसकी, अक्ष की मोटाई में वृद्धि करता है, इसलिए इसको पार्श्व मेरिस्टेम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न जीवित यांत्रिक ऊतक है, ठीक है, जीवित यांत्रिक ऊतक है, इनमें से कौन सा है, क्या पेरेन्काइमा है आपका या
प्रोजेन काइमा है या आपका स्क्लेरेन काइमा है या आपका इनमें से कोई नहीं, तो कोई एक ऐसा है जो जीवित यांत्रिक ऊतक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको आंसर करना है, ठीक है। सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार, चलिए आंसर कीजिए। तो जीवित यांत्रिक ऊतक की अगर हम बात करें तो ये आपका पैरेन्काइमा नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या है आपका? पैरेन्काइमा। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सिक्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, कह रहा निम्न में से किस द्विबीजपत्री, ठीक है, क्या है द्विबीजपत्री, जिनमें आपके द्विबीजपत्र पाए जाते हैं, तने में सामान्य कैम्बियम की असामान्य क्रियाशीलता पाई जाती है, ठीक है। सामान्य कैम्बियम की असामान्य क्रियाशीलता, ठीक है, कैम्बियम तो आपका होगा लेकिन उनकी जो क्रियाशीलता होगी वो पूरी तरह से कैसी होगी, असामान्य होगी। तो क्या होगा? निकटेंथस होगा, या आपका बोरेलबिया होगा, या आपका विग्नोनिया होगा, या आपका साल्वाडोरा होगा। तो इनमें से कौन सा है? एक बीज पत्र, द्विबीजपत्री है, ठीक है। क्या है ये सभी? द्विबीजपत्री है। और इनमें से बताना है कि सामान्य कैम्बियम की असामान्य क्रियाशीलता किन में पाई जाती है, ठीक है, दो बीज पत्री तने में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेवन का आपका। चलिए, तो इसकी अगर हम बात करें सामान्य कैम्बियम की असामान्य क्रियाशीलता, तो ये किस में पाई जाती है आपकी? साल्वाडोरा में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द साल्वाडोरा, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, किस द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक तथा द्वितीयक क्या एनिमलीज दोनों की उपस्थिति पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी? प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है, एनिमलीज, प्राइमरी और सेकेंडरी एनिमलीज कौन से जो है द्विबीजपत्री में पाई जाती है, ये आपको बताना है। क्या साल्वाडोरा होता है, या आपका लेप्टाडिनिया होता है, या आपका ड्रेसिना होता है, या आपका बोरहाविया होता है, ठीक है। कौन सा है इनमें से? एक आपको आंसर करना है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो एट का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक। तो जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के एनिमलीज पाए जाते हैं, ये आपके क्या होते हैं? बी, ठीक है। इनको कहते हैं लेप्टाडिनिया, क्या कहते हैं? लेप्टाडिनिया। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर एट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कॉर्क कैम्बियम का निर्माण, क्या कह रहा है कि कॉर्क कैम्बियम का निर्माण प्राथमिक कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से होता है, यह है, ये क्या है आपका? क्या प्राथमिक मेरिस्टेम है, या आपका द्वितीयक मेरिस्टेम है, या आपका एपिकल मेरिस्टेम है, या आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो इसको फुलफिल करता है, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम का निर्माण प्राथमिक कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से होता है, यह है, क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और एपिकल मेरिस्टेम और आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। चलिए, तो इसकी अगर हम बात करें प्राथमिक कॉर्टेक्स, तो ये क्या होता है आपका? द्वितीयक मेरिस्टेम होता है, ठीक है। कैसा होता है आपका? द्वितीयक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? बा। अगला क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है, कौन सी? सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि आपकी किसमें पाई जाती है, ठीक है, ये बताना है। क्या एक बीजपत्री तनों में, या द्विबीजपत्री तनों में, या एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में, या विरायोफाइट में, ठीक है। तो द्वितीयक वृद्धि आपकी किन में पाई जाती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिए। तो इस तरह की जो वृद्धि होती है आपकी, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि, ये आपकी द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बा, ठीक है। द्वितीयक वृद्धि किस में पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मेरिडर्म एक द्वितीयक सुरक्षात्मक परत है जिसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से आते हैं? क्या कॉर्क तथा कॉर्क कैम्बियम आता है, क्या कॉर्क तथा कॉर्क कामा कॉर्क कैम्बियम तथा द्वितीयक कॉर्टेक्स आता है, या कॉर्क कोशिकाएं आती हैं, या कॉर्क तथा द्वितीयक फ्लोएम आता है। तो इनमें से कौन सा एक पेयर है जो द्वितीयक सुरक्षात्मक परत जिसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आबासादा, ठीक है, 11 का आंसर। तो इसके अंतर्गत आपका क्या आता है? आपका आता है कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम और आपका द्वितीयक कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इस आधार पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, बा, ठीक है। तो क्या आता है? मेरिडर्म एक द्वितीयक सुरक्षात्मक परत है, इसके अंतर्गत आपका कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और द्वितीयक कॉर्टेक्स, ये सभी चीजें आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ट्यूनिया कॉर्पस सिद्धांत, क्या है? ट्यूनिया कॉर्पस सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा?
सिमिटिड के द्वारा, या आपका हंस्टीन द्वारा, या आपका स्ट्रांस वर्गर द्वारा, या आपका सैक्स द्वारा, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आंसर आपका ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है, बताना है कि आपका ये आंसर है, ठीक है। 12 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये कौन थे आपके, सिमिडिट, ठीक है, कौन से, सिमिडिट द्वारा, ठीक है। ट्यूनिका कॉर्पस का सिद्धांत किसने दिया था आपका, सिमिडिट ने, ठीक है, जो कि आपके एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, कौन, सिमिडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जब जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम तथा कैम्बियम उपस्थित होते हैं तो वैस्कुलर बंडल को कहते हैं, ठीक है। जाइलम के दोनों ओर, किसके दोनों ओर, जाइलम के दोनों ओर आपका क्या पाया जाता है, फ्लोएम और कैम्बियम। तो उस वैस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं, क्या रेडियल कहते हैं, या कंजोइंट कहते हैं, या कंसेंट्रिक कहते हैं, या वाई कोलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो कोई एक आंसर ठीक है, आपके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे सब। चलिए, तो ये जो आपका क्या होता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब फ्लोएम और कैम्बियम दोनों होता है जाइलम की ओर, तो क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वाई कोलेट्रल के, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द, ठीक है, क्या हो जाएगा, द वाई कोलेट्रल कंडीशन आपकी ये कहलाती है, ठीक है, जब जाइलम के दोनों ओर आपका फ्लोएम और कैम्बियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल किस तने में द्वितीयक वृद्धि से बनते हैं, कौन सा तना है जिसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, तब जाके आपका एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होता है। क्या कुकरविटा है, या आपका हेलियंथस है, या आपका ड्रेसिना है, या आपका निकटेन्थस है, ठीक है, कौन सा है, निकटेन्थस। तो इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो इस वाले का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो आपको आंसर बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई एक ठीक है। चलिए, तो इसकी अगर हम बात करें वैस्कुलर बंडल, तो ये किस में पाया जाता है, भी ड्रेसिना, ठीक है, क्या है आपका, ड्रेसिना, ठीक है, जो द्वितीय वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ड्रेसिना, ठीक है, ये क्या है आपका, एक तना है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। कह रहा है, एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है किसमें, क्या निकटेन्थस में पाया जाता है, या विग्नोनिया में पाया जाता है, या ड्रोसिना में पाया जाता है, या आपका केजुराइना में पाया जाता है। तो इनमें से कोई एक आंसर ठीक है इसका, जिसमें आपका एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ड्रेसिना, ठीक है, जैसे अभी ऊपर पढ़ा था ना, एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल किस तने में द्वितीयक वृद्धि से बनता है, तो किसमें, भी ड्रेसिना में। तो एम्फीबेसल की बात कर रहा है यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ड्रेसिना, ठीक है, क्या आंसर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार्क कोशिकाएं होती हैं, क्या कार्क कोशिकाएं होती हैं, क्या मेरिस्टेमेटिक होती हैं, या आपकी मृत कोशिकाएं होती हैं, या जीवित कोशिकाएं होती हैं, या प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे कि कार्क कोशिकाएं कैसी होती हैं, ठीक है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं आपकी, कार्क कोशिकाएं, ठीक है, ये सबसे बाहरी लेयर होती है, ठीक है, किसकी, किसी पौधे की, तो इसको कहते हैं मृत कोशिकाएं, ठीक है। तो ये कैसी होती हैं आपकी, मृत कोशिकाएं होती हैं, कौन, कार्क कोशिकाएं, ठीक है, जो कि सामान्यतः पौधे को हवा और कई कारणों से बचाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्क कैम्बियम एक उदाहरण है, क्या है, कॉर्क कैम्बियम एक उदाहरण है किसका, अग्र मेरिस्टेम का, या प्राइमरी मेरिस्टेम का, या आपका पार्श्व मेरिस्टेम का, या इंटरकलरी मेरिस्टेम का। तो इनमें से कौन सा है जिसका आपका कैम्बियम एक उदाहरण है, ठीक है, किसका, अग्र मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, पार्श्व मेरिस्टेम, और इंटरकलरी मेरिस्टेम का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे सभी, क्या हो जाएगा। चलिए, तो कार्क कैम्बियम की अगर हम बात करें, तो ये आपका पार्श्व मेरिस्टेम का एक प्रकार का उदाहरण है, क्या है, पार्श्व मेरिस्टेम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सा, ठीक है, पार्श्व मेरिस्टेम का एक प्रकार का उदाहरण है, कौन, कार्क कैम्बियम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का, सा, ठीक है। 18 की अगर हम बात करें, तो कह रहा है, हिस्टोजन सिद्धांत प्रस्तावित किया था। अब ये जो आपका हिस्टोजन नाम का सिद्धांत है, ये किसने दिया था, नेगेली ने दिया था, या आपका सिमिडिट ने दिया था, या आपका हेंस्टीन ने दिया था, या आपका हेवरलैंड ने दिया था, ठीक है। तो इनमें से कोई एक वैज्ञानिक का नाम है जिनने क्या दिया था, हिस्टोजन सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो वो कौन से वैज्ञानिक है आपके, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये थे आपके वैज्ञानिक, कौन से थे, हेंस्टीन, ठीक है, क्या थे आपके, हेंस्टीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका
टीन का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा आंसर, ठीक है। हेंस्टीन, जिन्होंने क्या दिया था, हिस्टोजन सिद्धांत, ठीक है। तो हिस्टोजन और हेंस्टीन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, कह रहा है आर्किड में क्या पाया जाता है, वेलामिन। आर्किड में वेलामिन ऊतक उपस्थित होता है जो आवश्यक होता है, किसके लिए आवश्यक होता है, क्या पादप श्वसन के लिए, श्वसन करने के लिए, या ऊतकों की सुरक्षा में, ऊतकों की सुरक्षा करने के लिए, नमी अवशोषित करने में, यानी कि जो जल होगा उसके आसपास उसको अवशोषित करता है, या प्रकाश संश्लेषण करने में, ठीक है। तो इनमें से किसी एक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ठीक है, कौन, वेलामिन ऊतक, ठीक है, जो किस में होता है आपका, आर्किड्स में होता है। तो किस लिए होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिए। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है नमी का अवशोषण करना, ठीक है, क्या करना, नमी का अवशोषण करना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नमी अवशोषित करने में, ठीक है, जो कि आपका आर्किड्स में वेलामिन नाम का एक ऊतक पाया जाता है जिसका काम क्या होता है, नमी को अवशोषित करना, ठीक है, जो कि आवश्यक होता है इनके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, असामान्य द्वितीयक वृद्धि होने से फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम पॉकेट्स यानी कि वेदित का निर्माण किस द्विबीजपत्री तने में होता है, ठीक है। तो ये कौन सा आपका द्विबीजपत्री पौधा है जिसमें आपका किसका निर्माण होता है, फ्लोएम का, ठीक है, फ्लोएम पॉकेट्स का निर्माण होता है। तो बोरहेविया या आपका विग्नोनिया या आपका ड्रेसिना या आपका साल्वाडोरा, इनमें से कोई एक आंसर, ठीक है, ठीक है, वो आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, आ बा सा दा में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे तो इसकी अगर हम बात करें फ्लोएम पॉकेट्स की, ठीक है, तो ये आपके बिगनोनिया में बनते हैं, ठीक है, किस में बनते हैं, बिगनोनिया, ठीक है, जो कि आपका एक द्विबीजपत्री तना है, इनमें फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है असामान्य कैम्बियम की असामान्य क्रियात्मक क्रियाशीलता से असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, किसमें, क्या साल्वाडोरा में, साल्वाडोरा के तने में, या आपका बोहरेविया के, बोरहेविया के तने में, या ड्रोसिना के तने में, या बीटा बीटा बुलगैरिस की जड़ में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जिसमें क्या होता है असामान्य कैम्बियम की सामान्य क्रियाशीलता से क्या असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है किसी एक में, वो आपका कौन सा है, आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। चलिए तो इसकी अगर हम बात करें तो जो द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है असामान्य, ये आपकी ड्रेसिना के तने में पाई जाती है, ठीक है, किसमें, ड्रेसिना के तने में पाई जाती है। इस तरह से आपका यूनिट 6 में हमने कितने पढ़े थे, कुल 21 क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट 6 में, ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट 7th और 8th, ठीक है, दोनों में लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन है, इसलिए दोनों को इकट्ठा करके रख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, चलिए बात करते हैं 1। कह रहा वर्तिकाग्र, क्या वर्तिकाग्र, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है किसी पौधे का, ठीक है, फ्लावर में, ठीक है। तो कह रहा वर्तिकाग्र पे पराग नलिका वर्तिका को पार करती हुई भ्रूण कोश में चलेजा में भी पहुंचती है, इसे कहते हैं, किस में पहुंच जाती है, भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में जो आपका चलेजा नामक एक स्थान होता है वहां भी पहुंच जाती है, इसको हम क्या कहते हैं ये बताना है, क्या पैरोगैमी कहते हैं, या मीजोगैमी कहते हैं, या चलेजोगैमी कहते हैं, या चलेजोस्पर्मी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, चलेजोगैमी, चलेजोस्पर्मो, या पैरोगैमी, या आपका क्या है, मीजोगैमी, ठीक है। तो कोई एक आंसर आपका ठीक हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो कहाँ पहुंच जाता है ये आपका, चलेजोगैमी में पहुंच जाता है, ठीक है, कहाँ पहुंच जाता है, चलेजा में पहुंच जाता है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, चलेजोगैमी, ठीक है, क्या कहेंगे, चलेजोगैमी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं, या फादर शांता पाऊ माने जाते हैं, या आपके पी माहेश्वरी माने जाते हैं, या आपके एस आर कश्यप माने जाते हैं। तो इनमें से कोई एक वैज्ञानिक है जो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक या फादर माने जाते हैं, कौन है वो, आंसर करना है आपको, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो ये है आपके पी माहेश्वरी, कौन है आपके, पी माहेश्वरी, ठीक है, जिन्हें भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक या फादर माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सा हो जाएगा, ठीक है, सेकंड का। थर्ड, कह रहा है बीज रहित फलों का उत्पादन किस
बीज रहित फलों का उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है, या आपका एपोमिक्सिस कहलाता है, या आपका पार्थेनोकार्पी कहलाता है, या पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा है जो क्या कहलाता है, बीज रहित फलों का उत्पादन कहलाता है। कौन सा है, उसका आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पार्थेनी कार्पस। क्या कहते हैं? पार्थेनी कार्पी, ठीक है, या पार्थेनी कार्पस। ठीक है, जो इसमें क्या करते हैं, बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किसमें? पार्थेनोकार्पी में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन की खोज की थी। ठीक है, किसमें? एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, क्या स्ट्रासबर्गर ने की थी, या रॉबर्ट कॉक ने की थी, या आपका नवाशिद ने की थी, या पी माहेश्वरी ने की थी? तो कौन है जिन्होंने किसकी खोज की थी, द्विनिषेचन की खोज की थी। ठीक है, किसमें? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, कौन सा है? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का? तो ये कौन थे जिन्होंने द्विनिषेचन की खोज की थी, किसमें? एंजियोस्पर्म पौधों में। तो ये कौन थे आपके? नवाश्चिन। ठीक है, कौन से थे? नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा कि जो आपके एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं उनमें द्विनिषेचन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सा हो जाएगा। ठीक है, नवाश्चिन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अधिकांश पुष्पधारियों में, किसमें? अधिकांश पुष्पधारियों में पराग नलिका माइक्रोपाइल से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पैरोगैमी कहते हैं, मीजोगैमी कहते हैं, चेलेजोगैमी कहते हैं, या सिनगैमी कहते हैं। ठीक है, तो 6th का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करेंगे 5th का क्या हो जाएगा। चल, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं भी? पैरोगैमी कहते, पोरोगैमी कहते। ठीक है, क्या कहते हैं? पोरोगैमी। और आंसर क्या हो जाएगा आपका? आ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, पुष्पधारियों में क्या होता है? पराग नलिका माइक्रोपाइल से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, इस कंडीशन को पोरोगैमी कहते हैं। ठीक है, 6 कह रहा है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या न्यूरो न्यूरेल न्यूरोलस में, और दूसरा है आपका मेगा स्पोर में, थर्ड है आपका मेगा स्पोर मातृकोशा में, या आरके स्पोरेंजियम में। ठीक है, आरके स्पोरियम में। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जहाँ बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कैसा विभाजन होगा आपका? अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो किसमें होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा। तो इस तरह का जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है ये कहाँ पाया जाता है? मेगा स्पोर मात्र कोशिका में। ठीक है, किसमें? मेगा स्पोर मात्र कोशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सा हो जाएगा। ठीक है, मेगा स्पोर मात्र कोशा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेगा स्पोरिक 8 नाभिकीय मादा। ठीक है, क्या है? मोनोस्पोरिक 8 नाभिकीय मादा युग्मक उद्भिद पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नाभिक ऐसा ऐसा मेगा ऐसा मोनोस्पोरिक 8 नाभिकीय मादक। ठीक है, 8 नाभिक जिसमें आपके लगभग लगभग 8 जो है नाभिक या न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, किसमें पाया जाता है आपका? एलियम में पाया जाता है, या लिलियम में पाया जाता है, या आपका पॉलीगोनम में पाया जाता है, या आपका ओइनोथेरा में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करेंगे। तो इस तरह का जो 8 नाभिकीय मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है ये आपका पॉलीगोनम में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? पॉलीगोनम में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सा हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट कह रहा है स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है, कौन सा? स्पोरोपोलिनिन किसमें पाया जाता है, क्या पोलिन क्लाइज पोलिन एक्जाइन में पाया जाता है, या पोलिन एंटाइन में पाया जाता है, या ओव्यूल में पाया जाता है, या प्लेसेंटा में पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ठीक है जिसमें आपका स्पोरो पोलिनिन होता है, वो कहाँ होता है ये बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इस प्रकार का जो कंडीशन है ये आपकी पोलिन एग्जाइलम में पाई जाती है। ठीक है, पोलिन एग्जाइल में आपकी जो है ये कंडीशन पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, 9 की अगर हम बात करें
तो फिर उसी तरह का आपका क्वेश्चन आ गया, कैसा जो ऊपर पढ़ा था, वर्तिका से पराग नलिका वर्तिकाग्र को पार करती हुई कहाँ पहुंच जाती है, भ्रूण कोष में चले जा से भी पहुंचती है, इसे क्या कहते हैं, क्या पोरोगैमी कहते हैं, या मीजोगैमी कहते हैं, चलेजोगैमी कहते हैं, या चलेजोस्पर्मी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है आपका, तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं इस कंडीशन को, चलेजोगैमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा, माइक्रोस्पोर मात्र कोशा में निर्माण होता है, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाएं होती हैं उसमें किसका निर्माण होता है, ओविडु का निर्माण होता है, या पराग कोष का निर्माण होता है, या भ्रूण कोष का निर्माण होता है, या पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक है। तो किसका निर्माण होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर ये आपकी दो तरह की होती है, एक तो आपका माइक्रोस्पोर होता है, ठीक है, जिसमें आपका पराग कणों का फॉर्मेशन होता है, दूसरा होता है आपका मेगा स्पोर, ठीक है। क्या होता है आपका मेगा स्पोर, ठीक है, क्या होता है मेगा स्पोर, ठीक है, जिसमें आपका किसका फॉर्मेशन होता है, ओब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अंडों का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि आपका फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, कैसा होता है, फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपके बड़े अंडाणु पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर में आपके छोटे अंडाणु पाए जाते हैं, जो आपका क्या होता है पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द हो जाएगा इस आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एनजियो स्पर्म, ठीक है, कौन से एनजियो स्पर्म के पराग कणों में पाए जाते हैं, क्या एक प्रोथेलियस कोशा पाया जाता है, या दो प्रोथेलियस कोशा, या आपका तीन प्रोथेलियस कोशा, या इनमें या कोई कोशा नहीं, कौन सा हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए आंसर करेंगे, कितने कोशा होते हैं, कोई भी कोशा नहीं होता है, या एक कोशा होता है, दो प्रोथेलियस कोशा होते हैं, या तीन होते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, ठीक है, तो इनके पराग कणों में एक भी कोशा नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा द, कोई कोशा नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द हो जाएगा, इनमें कोई कोशा नहीं होता है। 12 की बात करें तो कह रहा बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोने की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है, जेफरी ने की थी, या आपका ल्यूविन हॉक ने की थी, पी माहेश्वरी, या ईसाऊ, कौन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बहुभ्रूणता की खोज, ठीक है, किसने करी थी भाई, ल्यूविन हॉक ने की थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बा हो जाएगा, ठीक है, ल्यूविन हॉक, जो कि आपके एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या बताया था कि बहुभ्रूणता को बताया था, ठीक है, बहुभ्रूणता को। 13 कह रहा है आवृत बीजियों में भ्रूण पोष होता है, आवृत बीजियों में भ्रूण पोष होता है, क्या हैप्लाइड होता है, या डिप्लाइड होता है, या ट्रिप्लाइड होता है, या टेट्राप्लाइड होता है, कैसा होता हैप्लाइड डिप्लाइड टेट्राप्लाइड, या कौन सा आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए आंसर करेंगे, तो इनमें आवृत बीजियों में जो आपका भ्रूण पोष होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लायड होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आपका सा हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाता है, ट्रिप्लायड, यानी कि तीन गुणित होता है आपका, ठीक है, कैसा होता है, तीन गुणित। हैप्लाइड संरचना में केवल एन होता है, डिप्लाइड में आपके टू एन होता है, ठीक है। टेट्राइड की बात करें तो कैसा हो जाता है, चार गुणित संरचना होती है, ठीक है, तो कैसा हो जाता है आपका, ट्रिप्लाइड संरचना होती है। 14 की बात करें, कह रहा है बहुभ्रूणता का अच्छा उदाहरण क्या है, क्या नारियल है, या संतरा है, या मिर्च है, या आपका साइकस है, बहुभ्रूणता का इनमें से अच्छा उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बहुभ्रूणता, तो ये जो बहुभ्रूणता है ये किस में देखने को मिलती है, संतरा में, ठीक है। तो संतरा क्या है आपका, एक अच्छा उदाहरण है किसका, बहुभ्रूणता का, ठीक है, या पॉलीएम्ब्रियोनी का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कह रहा है सहायक कोशिकाएं होती हैं, कौन सी सहायक कोशिकाएं होती हैं, त्रिगुणित होती हैं, या अगुणित होती हैं, या द्विगुणित होती हैं, या चतुर्गुणित होती हैं, तो ये कैसी होती हैं ये आपको बताना है, त्रिगुणित अगुणित द्विगुणित या चतुर्गुणित। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो जो सहायक कोशिकाएं आपकी होती हैं ये कैसी होती हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं आपकी, अगुणित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो आपकी एन संरचना होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा पराग कण पराग कोष से सामान्यतः गिरते हैं, एक कोशिक अवस्था में, या द्वि कोशिक अवस्था में, या तीन कोशिक अवस्था में, या चार कोशिक अवस्था में, पराग कण पराग कोष से सामान्यतः गिरते हैं, कौन सी अवस्था में गिरते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। इस तरह से आपके पराग कोष में क्या पाए जाते हैं,
पराग कण पाए जाते हैं, लेकिन कह रहा है ये गिरते कौन सी अवस्था में, एक कोशिक, दो कोशिक, तीन कोशिक या चार कोशिक अवस्था में गिरते हैं। ठीक है, 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो गिरते हैं भाई ये आपका दो कोशिक अवस्था में गिरते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बा, तो ये जो परागकण है ये आपके दो कोशिक अवस्था में गिरते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 का बा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 कह रहा है एपोमिक्सस क्या है, एपोमिक्सस टर्म किसने दिया था। ठीक है, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने एपोमिक्सस टर्म आपका दिया था, क्या माहेश्वरी ने दिया था, या विंकलर ने दिया था, या ल्यूवेन हॉक ने दिया था, या नवाश्चिन ने दिया था। ठीक है, तो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिनने आपका एपोमिक्सस नाम का जो है शब्द या ये टर्म जो है दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। चलिए, तो एपोमिक्सस जो टर्म था वो आपका विंकलर ने दिया था, किसने दिया था, विंकलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो इस आधार पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ब आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का नेक्स्ट कह रहा है स्वपरागण जो कि एक पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। ठीक है, किसके मध्य होता है, एक पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। स्वपरागण जो कि एक पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है उसे कहते हैं। ठीक है, स्वपरागण मतलब कि जो आपके पराग कोष हैं, ठीक है, पराग कोष हैं आपके पराग कण, पराग कोष में जो आपके पराग कण हैं उनका कहाँ तक पहुँचना, वर्तिकाग्र तक पहुँचना। ठीक है, अपने आप, ठीक है, कैसे, अपने आप। ठीक है, कोई दूसरा साध्य ना हो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो उसे कहते हैं स्वपरागण। ठीक है, तो कह रहा पौधे के दो अलग अलग पुष्पों में, अब एक ही पौधा होगा लेकिन पुष्प दोनों के कैसे होंगे, दोनों पुष्प आपके अलग अलग होंगे, तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं, या आपका समकाल पक्वा कहते हैं, या असुनिश्चित असुनिश्चित उभयलिंगता कहते हैं, या सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। कौन सा है इसमें से आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का कि 18 का क्या हो जाएगा। चलिए, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सजात पुष्पी, क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण। ठीक है, यानी कि दोनों एक ही पौधे की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, एक पौधे के दो अलग अलग पौधे हैं, दो अलग अलग पुष्प हैं, तो उसको हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। ठीक है, एक ही जात के पुष्पों में ये परागण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बीज है। ठीक है, तो बीज आपका क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, चल, बीज पका हुआ बीजांड, या भ्रूण, या आपका निषेचित अंडा, या स्त्री जननांग, इनमें से कौन सा एक आपका आंसर है जो बता रहा है कि बीज है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का आपका पका हुआ बीजांड होता है। क्या होता है आपका, पका हुआ बीजांड होता है। ठीक है, जो कि आपके अंडाशय में संरचना पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है आपकी, इस अंडाशय में एक संरचना पाई जाती है इस तरह की। ठीक है, ऐसे करके यूं। ठीक है, तो ये आपका होता है बीजांड। ठीक है, क्या होता है बीजांड, जो इसके पकने पर, ठीक है, निषेचन निषेचन होने के बाद ये क्या बन जाता है आपका बीज, और ये बन जाता है आपका फल। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका एक पका हुआ बीजांड होता है। ठीक है, बीजांड पक जाता है, वही क्या बन जाता है आपका बीज बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। कह रहा है इनमें से किस बीजांड में हॉर्स शू के आकार का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, यानी कि घोड़े के नाल के समान का जो है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, या भ्रूण रस किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, भ्रूण रस या भ्रूण सैक किसमें पाया जाता है, क्या आपका आर्थोट्रॉपस बीजांड, या आपका एनाट्रॉपस बीजांड, या आपका एम्फीट्रॉपस बीजांड, या आपका सर्सिनोट्रॉपस बीजांड, कौन सा है आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्फीट्रॉपस बीजांड। ठीक है, क्या आपका एम्फीट्रॉपस बीजांड है। ठीक है, कह रहा किस बीजांड में हॉर्स के समान, हॉर्स शू के समान एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, तो एम्फीट्रॉकस एक ऐसा बीजांड है जिसमें आपका हॉर्स शू के आकार का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय कौन है, प्रसिद्ध भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान कौन है, स्ट्रासबर्गर है, या पंचानन माहेश्वरी है, या निवाश्चन है, या आपका हाफ क्या लिखा, ये हाफ मिस्टर। ठीक है, कौन है, हाफ मिस्टर। ठीक है, ऐसे लिखा है हाफ मिस्टर।
ये लिख दिया आपका हॉफ मिस्टर, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आंसर आपका सही हो जाएगा, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रसिद्ध भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान कह जनक कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हो जाएंगे आपके, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके फिर वही पी माहेश्वरी, ठीक है। कौन है आपके, पी या पंचानन माहेश्वरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बा वाला। तो इस तरह से कुछ 6 और 7 में आपके दे रखे थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये आपके 2-3 और दे रखे हैं, इन्हें भी देख लो। कह रहा है निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है, जब आपका निषेचन होता है तो बीजांड से क्या बन जाता है, अभी हमने देखा था ना कुछ इस तरह से। तो ये आपका क्या था, ये आपका पूरा क्या है, आपका अंडाशय है, ठीक है, क्या है आपका, अंडाशय है। अब इस अंडाशय में आपके एक संरचना इस तरह से पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बीजांड कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी में आपका निषेचन होता है, यहाँ से परागकण आता है धीरे धीरे ऐसे, और इसी में आपका जो एक नाभिक संरचनाएं होती हैं, इनसे आपका निषेचन होता है। अब ये जो बीजांड होता है, ये पकने के बाद ये क्या होता है आपका, बीजांड होता है, ठीक है, क्या होता है, बीजांड। अब कह रहा है कि निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है, अब इसमें जो आपका परागकण आएंगे, ठीक है, निषेचित हो जाएंगे, ठीक है, तो ये फल और ये बीज, ठीक है, तो बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीजांड आपका बीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो ओवरी अंडाशय होता है, वो आपका फल बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेता है, फल बना लेता है। तो क्या हो जाएगा भाई, बीजांड से क्या बन जाएगा भाई, बीज बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, तो बीजांड से आपका बीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा नई किस्म उत्पन्न करने के लिए कौन सा परागण होना चाहिए, यानी कि नई किस्म, तो हमें क्या करना होगा, यानी कोई दूसरा पौधा, दूसरे अलग अलग फूल लेने होंगे, ठीक है। मान लो एक फूल आपका क्या है, ये हमने क्या बना लिया, फूल बना लिया, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या होगा आपका, इसी में आपकी वर्तिकाग्र होगी, ठीक है, और इसी में आपका क्या होगा, अंडाशय, और इसका इसी में क्या होगा आपका, पराग पराग कोष होगा, जिसमें आपके परागकण पाए जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अगर इसका इसी में स्वपरागण हो जाएगा तो इसी के जैसा पौधा हमें मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, इसी का बीज मिलेगा। अब जब इसको बोएंगे तो इसी के जैसा हमें पौधा मिलेगा, लेकिन कह रहा है क्या करने के लिए, नई किस्म, तो नई किस्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कोई दूसरा पौधा चाहिए होगा, ठीक है, पौधा हमें क्या चाहिए होगा, दूसरा पौधा, दूसरा पौधा। उस दूसरे पौधे का हम क्या करेंगे, उस दूसरे पौधे का परागकोष होगा, जो क्या करेगा, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, कहाँ जाएगा, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा अभी बाद में नीचे जाके अंडाशय में किससे, बीजांड से निषेचित होगा, और उसके बाद जो प्रजाति मिलेगी वो कैसी होगा आपकी, नई किस्म होगी, ठीक है, क्या होगा, नई किस्म का होगा। तो कैसा परागण होगा यहाँ पर परागण होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर परागण होगा इस माध्यम से, ठीक है, यानी कि एक आपका दूसरी किस्म का पौधा होगा उसका बीज, और एक दूसरी किस्म का पौधा होगा उसका बीज, यानी कि हमने दो अलग अलग बीज पौधे ले लिए, उन दोनों के पुष्प ले लिए, ठीक है। तो एक पुष्प का क्या होगा आपका वर्तिकाग्र, दूसरे पुष्प का क्या होगा परागकण होगा, ठीक है, जिसको हमने क्या करना है, उसे पराग कोष से कहाँ तक पहुंचाना है, दूसरे कोष, दूसरा जो आपका पौधा है उस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पर परागण, स्वपरागण होगा, तो उसी फूल का जो बीज पराग कोष होगा वो उसी फूल के वर्तिकाग्र में पहुंच जाएगा, तो वो स्वपरागण होगा, और जो पौधा मिलेगा वो हमें उसी किस्म का मिलेगा। हमें पौधा कैसा चाहिए, नई किस्म का, ठीक है, तो क्या कराना होगा भी, हमें पर परागण कराना होगा, ठीक है, ये खुद से भी होता हो सकता है, आप करा भी सकते हैं, तो क्या कराना होगा, पर परागण, ठीक है। करा बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जब निषेचन ही नहीं हो रहा है आपका अंडाशय में, ठीक है, अंडाशय में जब आपका निषेचन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन कह रहा है फल बनने की क्रिया, लेकिन फल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो आपका अंडाशय है वो फल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन। फल तो बन रहा है लेकिन क्या नहीं हो रहा है इसमें, निषेचन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनिषेक फलन, ठीक है, क्या कहलाएगा, अनिषेक फलन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यूनिट थी वो हमने देखा 5th, और सॉरी 5th तो आपका पहले हो गया था, यहाँ हमने पढ़ा था 6th, 7th और आपका 8th, ये दोनों कंबाइन दे रखे थे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका बॉटनी का पोर्शन है, ठीक है, कितना, बॉटनी में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है, क्वेश्चन आपके दे रखे थे, वो हमने सभी एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं।
अब अगर कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप बॉटनी के, वो हम यहाँ पर अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अगर नहीं अच्छे से पढ़ पाओ तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, ठीक है, अच्छे कर लेना, क्लियर कर लेना इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है, मोस्टली पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।